नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल सिंह जी हैं और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो झुग्गियाँ 48,000 झुग्गियाँ तोड़ी जानी थी उस पर स्टे लग गया है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूँ और हमने जो पक्ष रखा है गरीबों का, जो भुक्तभोगी थे, जो 48,000 मकानों का जो खतरा मंडरा रहा था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो आदेश दिया था वो अपील लेकर के हम लोग गए थे। और जैसे हमने कहा था कि उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, वो लड़ाई हमने लड़ी है और अभी हमने फौरी राहत हमें दी है। अगली सुनवाई तक किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, यानी कि किसी भी गरीब का, किसी भी झुग्गी वासी की झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा। और हमारी ये मांग है, माननीय कोर्ट के सामने हम ये पक्ष रख रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनको हम लेकर के कोर्ट में गए थे और हमने ये कहा है कि सरकार ने वो तथ्य पेश नहीं किए जो कि इन गरीबों को शायद उनका हक दिला पाते। तो उन तथ्यों के साथ आज आर्ग्यूमेंट हुई है, आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ेगी, अगली तारीख तक की रोक लगी है। और हमारी इसमें मांग रहेगी कि पुनर्वास योजना जो शीला जी की कांग्रेस की सरकार के समय थी, UPA 1 और UPA 2 में जो मकान राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत बन के तैयार हैं, वो मकान इन गरीब लोगों को मुहैया कराए जाने चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये पहले भी टिप्पणी रही है, आदेश में भी है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उनका पुनर्वास कराना आवश्यक है। झुग्गियाँ जो हैं वो इलीगल हैं, बहुत पुराने टाइम से भी हैं। इसमें एक सवाल और उठता है सर, जब मैं झुग्गियों के अंदर गया तो जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें दोनों पार्टियों ने एक वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान। इन लोगों ने इस बिहाफ पे जो भी अपनी जमा पूंजी थी उससे घर बना लिया, अब इनसे इनकी जगह छीनी जा रही है, तो क्या इनके लिए तुरंत त्वरित उन जगहों का इंतज़ाम नहीं किया जाना चाहिए जहां पे उनको छत मिल सके? देखिए, बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा कि इलीगल। मैं कहना चाहता हूँ कि कानून में उनको ये हक दिया गया है और एक सर्वे के अनुसार किसी भी झुग्गी को आप हटाएंगे तो एक समय सीमा के तहत उसको बांधा गया है, उस सीमा से पहले की झुग्गियों को बिल्कुल कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। यहाँ पे सरकारों की जिम्मेवारी ये तय की गई थी कि आप इनको हटाएंगे तो इनको मकान देंगे, यानी कि ये उनका हक है। तो इलीगल वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो आज इलीगल नहीं है। हाँ, आज यदि किसी सरकारी ज़मीन पर कोई आज झुग्गी डाल रहा है वो इलीगल के दायरे में आता है। ये लोग मुद्दत हो गई, 40-40 साल 50 साल इन लोगों को हो गए हैं और रेलवे के कुछ अधिकारी अपने साथ इनको लेबर के रूप में लेकर के आए थे, बसाया गया था। समय बीतता गया, इन लोगों के समय के साथ इन्होंने इस रेलवे ट्रैक के साथ जीवन यापन शुरू किया। कोई नहीं चाहता कि ऐसे ध्वनि प्रदूषण में अपनी जान जोखिम में डाल करके वहाँ रहे, लेकिन हालात, मजबूरियाँ, भुखमरी, गरीबी इनको मजबूर करती थी ये लोग वहाँ रहें। समय बीतता गया, हालात ऐसे बनते गए और सरकारों को एक तरह से इनको माना गया और इनको हक के अनुसार पुनर्वास इनको कराना सरकारों की जिम्मेवारी है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सरकार का दायित्व था, ये उनका कर्तव्य बनता था कि इनको राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत, जिसकी नींव माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय संयुक्त रूप से यहाँ मकान बनाए गए, इन गरीब लोगों को वो मकान मिलने चाहिए थे। और जब सरकारें विफल हो गई तो स्वाभाविक रूप से जो अपील पेंडिंग थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने अपना आदेश तो दिया, लेकिन सरकारों ने उनको ये आश्वस्त नहीं किया कि हम इनको पुनर्वास कराएंगे। तो कोर्ट ने अपना काम किया लेकिन सरकारों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावी समय चुनावी वादे करते रहे, वो फिर एक बार साबित हुआ कि ये चुनावी जुमला था। इनसे कहा गया था कि जहां झुग्गी वही मकान का नारा इन्होंने दोनों लोगों ने दिया। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए दोबारा जब प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रचार में थे तब भी नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जब चुनाव में दोबारा आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। जब लोगों को आप वादा करते हैं, आप उनको सपने दिखाते हैं, स्वाभाविक रूप से गरीब आदमी उन वादों पर आपके साथ विश्वास करता है। अंतिम वादा खिलाफी की गई है दोनों सरकारों की। अंतिम दो सवाल लूंगा क्योंकि समय आपके पास कम है। पहला सवाल यह है कि 48,000 झुग्गियां हैं, लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, आपको लगता है कि 3 महीने के भीतर इनके पुनर्वास की कोई योजना केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार बना पाएगी? देखिए, योजना तो बनी हुई है, इसकी घर दे पाएगी, इसकी नींव तो कांग्रेस पार्टी ने रखी हुई है। हम ये कह रहे हैं कि ये सरकारें निकम्मी साबित हुई हैं, इन्होंने गरीबों को लेकर के किसी योजना पे काम किया ही नहीं। आप बिजली पानी के नाम पर आप जो प्रलोभन का चश्मा लोगों की आंखों के सामने आपने रख दिया, आपने अपनी नाकामियों को छुपाने का काम किया।
सही मायने में तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये साबित करता है कि दोनों सरकारें केवल बयानबाजी करती रही, गरीबों के हक की जो बात करते थे उस पर काम नहीं हुआ। योजनाएं हैं, राजीव आवासीय योजना के तहत 64,000 मकान बन के तैयार थे, आज भी आप देखेंगे मौके पर फ्लैट्स, और ये भाजपा भी मान रही है। तो आपको तो योजना और आश्रय बोर्ड, जिसकी माननीय कोर्ट ने जिम्मेवारी फिक्स की है, 2010 में कांग्रेस की मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित जी ने ही इस आश्रय डूशिप का जो है गठन किया था। आज उस डिपार्टमेंट का जो काम होना चाहिए था, शायद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने पर्सनल उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग किया। इसका कार्य होना चाहिए था लोगों का सर्वे कराना, सर्वेक्षण करके उनके प्रवास पुनर्वास की योजना पे आगे बढ़ना, उसको अमल में लेके आना, बजाय इसके इस डिपार्टमेंट को आपने किस कामों में लगाया, इसका जवाब तो केजरीवाल साहब दें। मकान बन के तैयार हैं, डिपार्टमेंट तैयार है, तो योजना तो तैयार थी। सवाल इस बात का है कि इसको पूरा करने की इच्छा शक्ति केजरीवाल साहब ने कभी नहीं दिखाई। विपक्षी आप पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास मुद्दे समाप्त हो गए हैं, इसलिए वो इन झुग्गी वालों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, क्या कमेंट करेंगे इस पे? बड़े अफसोस की बात है। देखिए, कांग्रेस के अपने कोई मुद्दे नहीं होती हैं, कांग्रेस के मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। जनता की कोई भी परेशानी आएगी, जनता का कोई भी दर्द होगा, वो कांग्रेस पार्टी उस दर्द को दूर करने के लिए आवाज़ उठाएगी, उनके जो हक की मांग रहेगी वो मांग उठाएगी। ये सत्ताधारी पार्टियां सरकार में रहते हुए भूल जाते हैं कि जब आप विपक्ष में थे, ये आरोप कांग्रेस पे लगाते थे जो निराधार थे। कांग्रेस निरंतर काम करती रही, आज एक भी कोई नीति बता दे जो गरीबों को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 वर्षों में बनाई हो। 7 साल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनते हुए, शीला जी 15 साल रही, आधा समय बिता चुके हैं, और माफ कीजिएगा 5 साल रहते रहते तकरीबन ये 12 साल हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में ऐसा कौन सा एक कार्य किया जो गर्व से कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए काम कर दिया? बिजली पानी के नाम पे लोगों को गुमराह करते रहे, आज वही बिजली पानी की हालत देखिए आप दिल्ली के अंदर क्या है। एक नई नई स्टडी आ रही है, हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आने वाले समय में, किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अपना चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं केजरीवाल साहब, कांग्रेस से सवाल पूछने की बजाय, उंगलियां उठाने की बजाय 48,000 परिवारों को पुनर्वास करने के लिए आकर के ठोस नीति को सामने रखना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब के नेता लोग, उनकी सरकारें आज विभिन्न प्रदेशों में है। कल का बयान आता है कि मध्य प्रदेश में दिवाली मनेगी नए घर में, दिल्ली के संदर्भ में क्यों नहीं बोलते? दिल्ली के संदर्भ में 48,000 मकान जो टूटेंगे, क्या ये देश के वासी नहीं है? क्या देश की राजधानी दिल्ली है? कंगना रनौत का एक मकान टूटता है, सेलिब्रिटी जो सक्षम है और 50 मकान है उसके पास, उसके लिए पूरी भाजपा आकर के इकट्ठी हो जाती है, गवर्नर साहब बुला लेते हैं, लेकिन 48,000 लोगों के मकान टूटते हैं, किसी गवर्नर ने कोई चिट्ठी भेजी हो, कोई सांसद मिला हो, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की कैबिनेट ने जाकर के वहां विजिट किया हो? कौन उठाएगा इनकी बातें, इनके दर्द को कौन समझेगा? कांग्रेस पार्टी यदि वहां जाती है और उसके पॉलिटिक्स कहते हैं तो ठीक है, आपका ही है, हमारा काम ही है कि कोई अन्याय होगा तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी रही है और आवाज उठाती रही है, आज भी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मैं ये आवाज उठाता रहा हूँ। उनकी लड़ाई हमने कहा था, और एक एक शब्द पे कांग्रेस पार्टी डटी हुई है, हम कानून से लेकर के कोर्ट से लेकर के सड़कों तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये फौरी राहत है, अभी रोक लगी है, जब अगली सुनवाई होगी हमें विश्वास है माननीय कोर्ट इस पे और हमें राहत देगा, न्याय देगा, इनको पुनर्वास के तहत बसाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार, जिन्होंने 48,000 लोगों के लिए जो अपील की थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस पर अभी फौरी राहत मिल गई है। 48,000 झुग्गियाँ जो हैं उनके भविष्य पे अभी संशय है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।